लोअर बैक है यार, मैं कह रहा हूँ खींच गई है। फोम रोलर है तेरे पास? हाँ, बेडरूम में रखा है, ले ले तू। बेबी थैंक यू। क्या गिफ्ट नहीं है, मेरा ही है। नहीं, वो तुमने हमारा काम आधा कर दो ना, पास से कह रहे हैं। आधा कैसे? अब देखो, जीजी चली गई जहान को लेके, मेरा जीजी चली गई कोल्हापुर, और तुम इतने रह भी आ गए। तुम्हें दो दो बार काम नहीं करने पड़ा ना, एक ही बार करने पड़े, बार बार ऊपर नीचे नहीं करने पड़े, कई बार झाड़ू है, कई बार पोंछा है, कई बार बर्तन है, कई बार डस्टिंग। नो, एक ही बार अपने घर में भी झाड़ू पोछा डस्टिंग रोज होगा, नहीं तो जीजी को मालूम पड़ेगा, जीजी फोन से चिल्लाएगी तुम पे। का भैया, जीजी जोन देना, वापस आए बोन देना, कर लेना। ठीक है, एक हफ्ते की पगार भी काट देते हैं, जीजी को बोलता हूँ। नहीं भैया। बेडरूम में कहाँ है? बेड साइड टेबल के नीचे। अच्छा सुनो। हाँ भैया। मेरे लिए ऑमलेट बनाना है, मेरा ऑमलेट थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ध्यान से सुनो। डिफरेंट? अच्छा, टोमेटो ऑमलेट बनाते तुम? आओ, हमें मालूम है कैसे बनाते वो। बेसन में पानी डालो, बामे टमाटर डाल दो, बामे प्याज डाल दो। अरे अंडों का ही बनाना है। अच्छा, मुर्गी के अंडे नहीं हो, बत्तख के होते? हमने देखे हैं तुम्हारे फ्रिज में भूरे अंडे रखे। वो अंडे मुर्गी के ही हैं, फ्री रेंज एग्स, देसी ऑर्गेनिक। अरे वो सब छोड़ो ना, मेरा ऑमलेट कैसे बनेगा वो ध्यान से सुनो। हाँ तुम बताओ, हम सुन रहे। मेरे ऑमलेट में 3 एग व्हाइट्स जाएंगे और 1 येलो, ओके? और मसाला ऑमलेट बनाना है बिना टमाटर के। हाँ भैया बना दे। और बाकी साथ क्या खाए? प्लेन पराठा। हाँ, और भैया? भैया, अरे भैया को तो तुम्हें पता होगा ना, रोज उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ ना उनके घर में। हाँ, बे तो इंग्लिश भुर्जी खाऊ थे। इंग्लिश भुर्जी? लेकिन हमारे पास तो ब्रॉयलर एग्स है ही नहीं, देसी अंडे ही। नहीं भैया, अंडे कोनो भी हो, भुर्जी इंग्लिश होते है। भुर्जी इंग्लिश होते मतलब? मतलब जे भैया, कि तुम लोगन के जैसे बा में मसाले नहीं पड़ा का, प्याज टमाटर और हल्दी जे सब नहीं पड़ा, गार्निशिंग होते है नमक और काली मिर्च की, और अंत में नेक्स और दूध। ट्राई करो। अच्छा अच्छा, स्क्रैम्बल्ड एग्स पता है मुझे, बहुत खाया है मैंने, तो मेरे लिए मसाला ऑमलेट ही बना, ओके? हाँ। हाँ, लेकिन थोड़ा बड़ा लग रहा है यार। बेबी कितने अंडे डाले इसमें? ए भैया, तुमने 4 कही थी, हमने 4 डाल दे। मैंने 4 नहीं कहे थे, 3 कहे थे। देखो भैया, अब तुम पलट रहे, तुमने कही थी 3 भेड़ और 1 एलो, तो 3+1 कितने पर 4 कहो भैया। अरे क्या? हाँ यार, मैंने 3 वाइट और 1 येलो बोला था। एक अंडे में 1 वाइट और 1 येलो होता है, उसमें 2 वाइट और ऐड करने थे, तो कितने अंडे हुए? 4। 4? अरे 4 कैसे हुए यार? एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। ये देखो, ये कितने अंडे हैं? 3। इसके अंदर क्या है? मुर्गी। मुर्गी? भैया, मुर्गी अंडा पे बैठे, फिर बाम में से चूजा निकले, फिर वो बड़ी होके मुर्गी बन जाए। मुर्गी बनाई मैंने? मुर्गी दिखाई दे रही है? हाँ, 3 अंडे बनाए हैं, अंडों पर कॉन्सेंट्रेट करो। 1 अंडे में 1 वाइट और 1 येलो, इन दोनों में भी सेम, तो कितने वाइट और कितने येलो हुए? 3 भेड़, 3 येलो। हाँ, तो इनमें से 2 येलो निकाल दिया, तो क्या बचा? कोलेस्ट्रॉल निकला, प्रोटीन बचा। अरे तू चुप करना यार। भैया इतनी गणित हमें नहीं समझ में आओ। 3 वाइट और 1 येलो बचा। ठीक, तो वही तो बोला था मैंने, यही तो बनाओ हमने। एक मिनट, मैं समझाता हूँ। लिटिल ह्यूमंस, लेट द मास्टर इंटरवीन। बेबी, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन कल से भैया के लिए जो ऑमलेट बनाओगी उसमें 2 वाइट और 1 येलो डालना। हाँ। गाओ। अरे लेकिन ये गलत है यार। ऑमलेट सही बनेगा तेरा। You have to give precise information. You learn. I'm telling you, I think I need to ice my back. Ice pack है तेरे पास? हाँ है ना। बेबी। हाँ भैया। भैया के फ्रीजर से आइस पैक लेकर आओ। हाँ भैया। अरे अरे रुक जा मेरे भाई, मैं देता हूँ आराम से। पर ये हुआ कैसे? तू तो ट्रेडमिल पे स्लोली स्लोली वॉक कर रहा था। अरे उतर रहा था ना, तब हुआ। अरे कितनी बार तुझे कहा है कि ऐसे मत उतरा कर, ऑफ करके उतरा कर यार। ऑफ करके ही उतरा था यार, रील बना रहा था। तू कब से जिम रील्स बनाने लग गया? अरे अपनी नहीं, कविता की। उसका टाइम होता है 11:30 अपलोड का, तू उसको फॉलो नहीं करता है क्या? उसका कैलेंडर है पूरा कंटेंट का, सब कुछ टाइम टू टाइम होता है। अच्छा, देखा था मैंने तुम दोनों को थोड़ी देर जिम से बाहर गए थे, मैं वही सोचूं कि यार क्या करने जा रहे हो।
रील बना रहे थे यार, उसको रनिंग का एक कैंडिड शॉट चाहिए था एंड आई वाज लाइक द डीओपी। अच्छा तो तू जब वो भाग रही थी तो उसके आगे आगे ऐसे उल्टा उल्टा भाग रहा था, तब तेरी कमर लचकी? हाँ यू डिजर्व इट ब्रो। हंसने की कोई बात नहीं, इट्स नॉट फनी, सीरियस मैटर। अपनी एजीएम में ये पॉइंट उठाना है, गार्डन एरिया के जो पेवर ब्लॉक्स है ना सब उबड़ खाबड़ है, पांव अटक गया, गिर गया। तुझे गिरकर चोट लगी? कितना स्लो है यार तू। तू आजकल बहुत फास्ट चल रहा है, स्लो डाउन। कविता की बहुत रील्स बना रहा है, अगर रोहिणी को पता चल गया ना तेरा राउंड कट कर देगी। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है ना, नाउ बी अ गुड पड़ोसी और मेरे को एक मसल रिलैक्सेंट लाके दे, गोली खाऊंगा ठीक हो जाएगा। खूबसूरत पड़ोसन से दूर रहा करो, वेरी डेंजरस। बीवी मैं जो सामान लाया था उसमें जो दही है ना वो ला दो। हाँ भैया। Never ask about God. If you cannot see him, that simply shows you don't have the eyes to see. You cannot hear him, simply shows you are deaf. You cannot touch him, simply shows you are without hands. You don't have any sensitivity. भैया। Thank you. ये क्या है? दही है भैया। जमा हुआ क्यों है? फ्रीजर में रख दिया था क्या? हाँ भैया, तुमने कही थी फ्रीजर में धर दो, हमने धर दी। इसमें फ्रीजर का सामान है, फ्रीजर में रख देना। हाँ भैया। अरे मैंने कहा था इसमें फ्रीजर का सामान है, वो फ्रीजर में रख दो। हाँ भैया, तुमने बिल्कुल जय कही थी कि फ्रीजर को सामान है, फ्रीजर में धर दो, हमने फ्रीजर में धर दी। अरे सारा सामान फ्रीजर में थोड़ी ना रखना था, उसमें तो ब्रेड भी है, बिस्किट भी है। हमें कहा मालूम, हमने थोड़ी खोल के देखा। अरे तो देखना चाहिए था ना। हाँ भैया, अरे राम 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 राम। ओ भैया, ऐसा काम हम नहीं कर रहे, तुम आप पर्सनल का चूहे। तो पर्सनल सामान कौन फ्रीजर में रखता है? भैया धरते हैं। कहो भैया, धरा तो कि नहीं धरा तो? आई डू। भैया कहते हैं जे हमारी पर्सनल आइसक्रीम है, कोनिक है, फ्रीजर में धर दो। और जे कहते हैं कि जे हमारी पर्सनल टी बैग है, फ्रीजर में धर दो, हम धर देते हैं। टी बैग्स यूज करने के बाद स्ट्रेट इन द फ्रीज, ग्रेट फॉर अंडर आइस। कविता ने बताया मुझे। हैव यू सीन हर स्किन? इट्स फ्लॉलेस, स्पॉटलेस, मार्वेलस, फैबुलस। भैया तो हमने क्या गलत करो फिर? कुछ गलत नहीं किया, तुमने बहुत अच्छा किया। अब एक काम करो, वो बैग को फ्रीजर से बाहर निकालो और जो सामान जहां रखते हैं वहां रख दो। हाँ। गाओ। तू पागल अगर हो गया क्या? उसकी इतनी साइड क्यों ले रहा है? वो गलत पे गलत किए जा रही है और तू बोले जा रहा है सही किया सही किया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तरीका सीखेगी कैसे? इतने साल से सिखा रहे हैं ना, तो सीखी क्यों नहीं? क्योंकि हम सीख गए हैं उसका तरीका, उसे अपनी बात कैसे समझानी है। देख फ्रोजन योगर्ट। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हैं? कोई एंटासिड है तेरे पास? एसिडिटी हो रही है। हाँ यार, वो मसल रिलैक्सेंट गोली भारी पड़ गई। बेबी भैया, वो दवाइयों का डब्बा रखा है ना वो ले आओ, भैया को एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी? आज वाइन ले लो, सब ठीक हो जाए। हाँ वाइन क्यों पी रहा है? बीबी ने कहा आज वाइन ले लो, अच्छा फील होगा, पर हो नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है एसिडिटी बढ़ रही है। अरे मेरे भोले राम, उसने कहा था अजवाइन, अजवाइन जो जीरा जैसे दिखती है, जैसे खाने में डालते हैं, कैरम सीड्स। नहीं रे, मुझे साफ याद है उसने कहा भैया आज वाइन ले लो वाइन। अरे ये सब देसी नुस्खे हैं, उसे पता होते हैं। अबे मसल रिलैक्सेंट के बाद तो वैसे भी अल्कोहल मना होता है, इसीलिए तेरी एसिडिटी बढ़ रही है। अब क्या, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, डॉक्टर, सर्जरी, आईसीयू।